तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब के दिन गिने जा चुके उसके साथ दूसरे चोरों के भी दिन गुने गिने जा चुके ना एन मिलेगा ना ढील मिलेगी इमरान खान डट के खड़ा है खड़ा रहेगा आप हमारे इतिहादियों से मुलाकात करें या आपस में मुलाकात करें हम आपको किसी सूरत किसी प्रेशर में एन नहीं देंगे हम एहतसाब का फंदा और टाइट करेंगे आपके गले में हमारी हुकूमत घंटा रहती है दस साल रहती है एक साल रहती है इमरान खान इस कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं आया हुआ ना वो इसके लिए कोई कंप्रोमाइज करेगा ना वो इस इरादे के साथ हुकूमत में आया था इमरान खान क्या लेने आया था आप लोग कहते हैं आप पॉजिटिव बात नहीं करते अपोजिशन पर तनकीद करते हैं मैं कुछ पॉजिटिव बातें करता हूँ आप देखिएगा उसकी उसकी कवरेज नहीं होगी मीडिया में क्योंकि हम पॉजिटिव बात करना नहीं चाहते ये जो मैंने पहली स्टेटमेंट दिया ना इनकी धुआं शह सुर्खियां निकलेंगी इनकी हेडलाइन चलेंगी लेकिन अब जो मैं बात करने जा रहा हूं इस पर कोई बात नहीं करेगा तो हमें अपने इंट्रोस्पेक्टिव भी अपने अपना जायजा लेना चाहिए कि हम किधर पहुंच गए हम इस कदर नेगेटिव हो गए हैं कि हमें सिर्फ नेगेटिव खबर चाहिए बात करने के लिए तो कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं और उन चीजों को सामने रखने से पहले मैं मुकम्मल तौर पर मुजम्मत करता हूं जो कल टेलीविजन पर हुआ जिस तरीके से गरीदा फारूकी साहबा के शो के अंदर एक मुगलजात बके गए और उसमें इफ्तार फितना साहब हों या उसके अंदर दूसरे लोग तमाम ने शमूलियत की और एक वो मौसन बेग साहब जो मैं अल्लाह को हाज़र ना जान के अल्लाह को हाजिर ना नाजर जान के आपके सामने कहता हूँ कि ये वज़ी अजम से पैसे मांगने आया करते थे और अकेले नहीं बारह बारह बंदों के दरम्या में आते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आते थे फिरदौस आशिक अवान साहबा के साथ ये आए बाहर लॉन में प्राइम मिनिस्टर बैठे थे वहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर आप मुझे पैसा दें तो मैं पूरे मीडिया को नष्ट डाल दूंगा मैं पूरा मीडिया कंट्रोल करके आपके पाँव में फेंक दूंगा क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाते रहे अब सबको पता है वो न्यूज़ एजेंसी चलाते रहे तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने हर सूरत की कोशिश की कि पहले इन्हें एड्स के पैसे मिले जब प्राइम मिनिस्टर ने उस पर जवाब दिया क्योंकि हम कभी भी मीडिया को ना कुत्ते की तरह भौंकने वाला कहते हैं ना कुत्ता कहते हैं जैसे बिलावल ने कहा न परवेज रशीद की तरह कुत्ते को भौंकने वाला कहते हैं न मरियम सफदर की तरह कहते हैं कि इनकी औकात क्या ये बात करके बताएं हाँ हम आपके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करते हैं हम आपके साथ इखलाकियात के अंदर बैठे हुए बात भी करते हैं हम आपके साथ झगड़ा भी करते हैं के अंदर रहते हुए जी 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 मैं बात करता हूँ मैं बात करता हूँ मैं आपको नहीं कहा था मैं अपोजिशन को कह रहा हूँ आपको नहीं कह रहा आप, आप किधर से कमीने आ गई तो अपोजिशन का काम है करप्शन आपने थोड़ी की हुई है कि आप कमीने होंगे देखिए बात यह है कि बिल्कुल आपको ये दुख हुआ और मैं समझता हूँ जब परवेज़ रशीद एक मुल्क के जो वफाकी वजीर तलात रहे हों अपनी आडियो के अंदर कहें कि सीनियर तरीन सहाफ़ी कुत्ते की तरह भोंकते हैं तो आपकी तरह हमें भी तकलीफ होगी सिर्फ सहाफ़ियों को नहीं होगी ये घटिया हरकत है कल जो टेलीविजन पे हुआ वो किसी सूरत काबले कबूल नहीं है मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सियासतदानों ने तो इस पर बात करनी करनी मीडिया के दोस्त इस पर बात करें ये मीडिया को और सहाफत को रिफ्लेक्ट नहीं करता ये वाला एटीट्यूड जो कल हुआ वो एक सही सहाफ़ी कभी भी नहीं कर सकता तो इसके ऊपर हम पैमरा से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक्शन लें सहाफ़ी बरादरी से भी प्रेस क्लब से भी सहाफियों की तमाम तनजीमों से हम कहेंगे और मोहसन बेग साहब सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दें कि क्या वो वजीर अजम के पास नहीं आए थे कि रशियन कंपनी को डील दें भले वो महंगी डील है दूसरा सवाल है कि क्या वो उसमें से कमीशन नहीं बना रहे थे तीसरा सवाल है कि क्या जब उन्हें इनकार हो गया तो उसके बाद वो दुश्मन नहीं बन गए तो अगर इमरान खान इतने बुरे थे तो आज से साल डेढ़ साल पहले दो साल पहले वो क्या लेने आते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या लेने आते थे प्राइम मिनिस्टर से अब मैं आपके सामने कुछ पॉजिटिव बातें रखता हूँ पीएसओ जो